अस्सलाम वालेकुम अच्छा टॉपिक का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जब भी नाम आए तो याद रखेगा ये दो जेनिटेलिया से मिलकर बनता है एक एक्सटर्नल जेनेटेलियल है और एक इंटरनल जेनेटेलियल है ये आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर को ड्रा किया है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये सबसे पहला पार्ट पीनस है और पीनस के साथ ही साथ जो मेन पार्ट है तेरे को टेस्टिस है अगर टेस्टिस को बड़ा करके देखा जाए तो ये आपके सामने टेस्टिस का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने ड्रा करके रखा है ये जो टेस्टी के सबसे बाहर वाली पैकिंग है ये जो सैक है इसको नाम देते हैं सक्रोटम टेस्टिस के अंदर मौजूद होती है नालियां देर कोल सेमनी फेरस ट्यूब्यूल और सेमनी फेरस ट्यूब्यूल आगे जाके चेंज हो जाती है एपीडेडिमस के अंदर और एपीडेडिमस चेंज हो जाती है वास डेफरेंस के अंदर मतलब के टेस्टिस के अंदर जो नाली उसका नाम सेमिनिफेरस है और टेस्टिस के बैक साइड पे जो नसी वो एपीडेडिमस है और टेस्टिस के जो आउट साइड है को वास डेफरेंस है ये तीन नाली हैं इनका नाम आपने कभी नहीं बोला इसी सेमिनिफेरस यूब्यूल के अंदर कुछ सेल्स भी होते हैं और इन सेल्स को कहते हैं सर्टोली सेल्स दे आर कोल्ड सेल और यही जो सेमनी फेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर सैटोली सेल के साथ साथ ये एक ऐसी जगह जहां स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जहाँ पे स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है वो सेमनी फेरस ट्यूब्यूल ये नाली है। ये जो डक्ट्स है यहां पर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस नजर आता है इन्हीं ट्यूब्स के साथ इन्हीं डट के साथ कुछ ग्लैंड अटैच हैं जैसे सेमिनल ग्लैंड जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे बल्बो यूरिथरल ग्लैंड ये ग्लैंड भी तीन है और ये डक्ट भी तीन है एक सेमिनिफेरस सेमिनिफेरिस एपिडेडमस वास डेफरेंस और जो ग्लैंड के नाम वो भी तीन है सेमिनल ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथरल ग्लैंड हैं सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया एक्सटर्नल जैनिटेलिया के अंदर सबसे पहला पार्ट आता है पीनस और एक आता है बेटा टेस्टिस पिनस जोनस है ये कॉप्यूलेट्री ऑर्गन है कॉप्यूलेटरी ऑर्गन मतलब मेल रीप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और कंपोज होता है स्पॉजी मसल टिश्यू से और पीनस का एक ही काम है ट्रांसपोर्ट करना स्पम्प को फीमेल वजाइना के अंदर तो जो स्प को डिपोजिट करता है फीमेल वजाइना के अंदर वो पीनस है टेस्टिस अगर देखा जाए तो हर मेल के पास पेयर इन नंबर है इनका जो साइज़ है आलमंड साइज होता है बादाम के जितने इसका साइज़ होता है टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर होता है टम्परेचर इनका देखा जाए बिलो या थर्टी फाइव सेंटीग्रेड होता है और ये सारी के सारी टेस्टिस कंसिस्ट होती है सेमनी फेरस ट्यूब्यूल से ये जो टेस्टिस है ये हैंग होती है आउटसाइड द बॉडी जिसम से बाहर होती हैं क्योंकि इनका टेम्परेचर थर्टी फाइव और हमारी बॉडी का कितना है थर्टी सेवन और जो स्पम्प्स की प्रोडक्शन है वो थर्टी फाइव सेंटीग्रेड पर होती है इसी ये हैंग होती है आउटसाइड द बॉडी जो जो पैक्ड ये पैक होती है के अंदर, SAC, के अंदर, जो छोटे से पैकेट के अंदर सैक होती है, पैक होती हैं, हैं, पैक इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं है, मतलब इन लाइक है. इसी के बाद आ इंटरनल जेनिटेलिया इंटरनल जेनिटेलिया में सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर E P I D I D Y M I S. एपीडेडिमस वास डेफरेंस आ गया जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल है मतलब बड़ी ज्यादा बल्क और पच्चीदा यह ट्यूबी जगह जहां परशन होती है और इसके पास दो तरह के सेल्स मौजूद है एक है इंटरस्टिशियल सेल्स और एक का नाम सर से है, से आपने माइंड में याद रखना है इंटरस्टिशियल सेल्स बिटवीन सेमस ट्यूब्यूल है अंदर नहीं है बिटवीन है बिटवीन सेमिनिफे ट्यूबल है सर प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेमीफ़ेरस ट्यूबुल मतलब जो अंदर मौजूद है वो सर्टोली सेल है और जो इन बिटवीन है वो इंटरस्टिशियल सेल्स है इंटरस्टिशियल सेल्स का काम होता है सिक्रीशन करना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेरे मैं बच्चे मैंने कहा इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये इंटरस्टिशियल सेल रिलीज करता है और ये कंट्रोल करता है मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जैसे चेहरे पर बाल आ जाना आवाज का भारी हो जाना यह मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन ठीक हो गया और ये यही मदद देता है हेल्प करता है इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म तो टेस्टोस्टेरोन की मदद से प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म भी होती है और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस का का नाम देते का नाम देते देते हैं हैं दे आर कॉल्ड अब जो सर्टोली सेल है जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनके बारे में याद रखिएगा फंक्शन क्या है ये मेरे बच्चे पीछे जगह कम थी मैंने यहां पे लिख लिया कि ये प्रोवाइड करता है लिक्विड मीडियम प्रोटेक्शन और नरिशमेंट टू स्पर्म मतलब कि अगर मैं कहता हूं ये स्पर्म्स को लिक्विड मीडियम देने वाला कौन है सर टोली सेल है प्रोटेक्शन देने वाला कौन है सर टोली सेल है नरिशमेंट देने वाला कौन है सर टोली सेल है तो ये मेरे बच्चे आपके सामने फंक्शन था जिसका नाम क्या बेटा सर टोली सेल है यहाँ पर स्पर्म्स की प्रोटेक्शन होने के बाद चले जाते हैं एपी के पास ई पी आई डी आई डी वाई एम आई एस एपिडेडिमस के पास यह प्रेजेंट होता है ऑन बैक साइड ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ टेस्टिस रिसीव करता है स्पम्स को फ्रॉम सेमनी फेर ट्यूब्यूल से अब इसी के बाद स्पम आगे चला जाता है वास डेफरेंस के पास जो वास डेफरेंस है यह प्रेजेंट होती है आउटसाइड द टेस्टिस दो दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें ये प्रेजेंट होती है आउटसाइड द टेस्टिस ये टेस्टिस से बाहर मौजूद होती हैं और ये स्पर्म्स को रिसीव करती हैं एपीडेडिमस से तो एपीडेडमस से स्पर्म को किसने रिसीव कर लिया वास डेफ्रेंस ने ये तीनों नालियां खत्म होगी इंटरनल जैनिटेलियर के अंदर अगला पार्ट आता है ग्लैंड तीन ग्लैंड होते हैं जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो डक्ट्स हैं उसके साथ अटैच है एक का नाम सेमिनल ग्लैंड है एक का नाम प्रोस्टेट ग्लैंड है एक के नाम कॉपर ग्लैंड है सेमिनल ग्लैंड का काम है न्यूट्रिएंट्स देना स्पर्म्स को प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है रिड्यूस करना एसिडिटी तजाबियत को कम करना नालियों के अंदर न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को और कॉपर ग्लैंड को नाम दिया जाता है बल्बो यूरीथरल ग्लैंड भी कहते हैं जैसे मैंने आपको पीछे बताया था एक ग्लैंड का नाम बल्बो यूरीथरल ग्लैंड बल्बो यूरिथरल ग्लैंड यह बल्बो यूरीथरल ग्लैंड बेसिकली इसका दूसरा नाम क्या है कॉपर ग्लैंड है कॉपर ग्लैंड यह स्लिपरी करता है डट को नरम करता है लचकीला बनाता है नालियों को ताकि स्पम्प आसानी से वहाँ से गुजर सके ठीक है अब हम देखते हैं एक प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस है स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवाते हैं एपिथेलियल जर्मिनल सेल्स होती हैं टेस्टिस के अंदर ये अपने आप को चेंज कर देते हैं स्पर्मेटोजोआ के अंदर टू एन और फिर जाके ये आगे माइटोसिस करता है और माइटोसिस करने के बाद ये स्पर्मेटोजोआ चेंज हो जाता है प्राइमरी ओसाइट के अंदर माइटोसिस के बाद ठीक है तो माइटोसिस के बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बना देता है जो कि टू एन होते हैं यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड आगे करता है मीओसिस वन और मियोसिस व करने के बाद ये दो में चेंज हो जाता है जिसको कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो मियोसिस वन के बाद अब ये डिप्लोइड नहीं रहा अब ये हैप्लोइड हो चुका है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके मियोसिस टू करता है और मियोसिस टू के बाद ये दो से आगे चार सेल्स बन जाते हैं और ये सारे के सारे वन एन होते हैं और ये कब बनते हैं मियोसिस टू के बाद मियोसिस वन के बाद दो बने और मियोसिस टू के बाद टोटल कितने बन गए चार बन गए अभी ये स्पर्म नहीं बने इसको कहते हैं माटेट यह अभी इमचोर है ओवल शेप है शि है इनको नाम देते हैं स्पर्माटेड ये स्पर्माटेड आगे जाके करता है स्पर्मियोजेनेसिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ गया स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होना यहां से यहां तक का जो सफर था ना ये स्पर्मेटोजेनेसिस है अब स्पर्माटेड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस है ये आपके सामने नजर आ रही है स्पर्म है जो कि मैच्योर होता है टेडपोल शेप होता है टेडपोल का मतलब जिसका हेड भी होता है और टेल भी होती है और डिफरेंशियल स्ट्रक्चर है यह आपके सामने बन गया स्पर्म और इस सर से इधर बना दिया स्पर्मियोजेनेसिस है मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्माटेड तो स्पर्माटेड से स्पर्म का बना स्पर्मियोजेनेसिस है और पूरे के पूरे इस प्रोसेस को नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस है ये आपको प्रोसेस नजर आता है कहां पर आपको मैंने बताया भी है सेमनी ट्यूब्यूल के अंदर जो टेस्टिस के अंदर मौजूद होती है तो यह एमसी क्यूज है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पर होता है सेमनी ट्यूब्यूल के अंदर जो कि टेस्टिस के अंदर मौजूद होती है और अगर कहा जाए स्पर्माटेड से स्पर्म का बना क्या प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस है स्पर्माटेड की पहचान है और स्पर्म्स की पहचान है ओके बेटा अल्लाह हाफिज